Akhilesh Yadav has attacked the BJP, saying that Dadri was a premeditated strategy by the BJP. The UP CM spoke to NDTV's Rahul Srivastava in an exclusive interview as he was returning from Bihar, where the first phase of elections ended yesterday. Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav, after a round of campaigning in Bihar. Akhilesh, ये बिहार में कैंपेन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? देखिए, हमारा गठबंधन था और एक गठबंधन नहीं जब चला, कुछ कारण रहे टूट गया, तो दूसरे गठबंधन के साथ बिहार में चुनाव लड़ रही पार्टी, और पार्टी का जो संगठन है, मैं समझता हूँ उस संगठन और प्रदेश अध्यक्ष के फैसले पे पार्टी लड़ने जा रही है। मैं समझता हूँ परिणाम पक्ष में भी आएगा, और जहाँ बिहार का चुनाव है वो देश की नज़र है कि आखिरकार बिहार की जनता क्या तय करेगी। एक तरफ तो वो जिनकी केंद्र सरकार है, और वहीं दूसरे लोग गठबंधन के साथ गए जिन्हें कई बार बिहार का काम करने में, सत्ता में रहकर के काम करने का मौका मिला है। बट वन क्रूशियल फैक्ट इज दैट आर यू ट्रीटिंग इट मोर एज अ लुक एट द बीजेपी फॉर द यूपी इलेक्शंस व्हिच आर देयर इन 2017, बिकॉज द मैनर इन व्हिच दे हैव कैंपेन्ड and the kind of activities they have taken up, isn't that perhaps some kind of a laboratory test for you, that you are testing how campaign can be in UP next time around? देखिए, बिहार में और यूपी के सवाल चले गए। बिहार में मान लीजिए दादरी का मसला था, वो बहस छिड़ी बिहार में। बिहार में बात वो भी आई कि डीएनए अच्छा है कि बुरा है, पॉलिटिकल डीएनए कैसा है। ये तमाम सवाल जो उठे हैं, और मैं समझता हूँ देश को ज़रूरत है कि सोशलिस्ट रास्ता हो और कहीं ना कहीं ऐसी सरकार बने जो सामाजिक सद्भावना की बात करे, जहाँ आर्थिक विकास हो। ये ज़रूरी है कि आर्थिक विकास हो, खुशहाली आए, तरक्की आए, लेकिन वहीं समाज में भी चीज़ें बदलें, समाज में कम से कम भाईचारा आए, समाज में कम से कम सद्भावना बढ़े। तो आर्थिक विकास हो और समाज में सद्भावना ना हो तो ये बात बनती नहीं। But aren't you worried that the manner in which one incident in Dadri became a political issue in Bihar, so much so that not only the BJP but even the opponents started raising it, isn't that a worry that as the elections come closer, more and more tensions and perhaps your responsibility as Chief Minister may increase? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में इस तरह के सवाल कई बार बीजेपी ने उठाए हैं, और मैं कह सकता हूँ बीजेपी अक्सर 6 महीने के बाद कोई ना कोई मुद्दा बदल देती है, और वो मुद्दा कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से जुड़ा है जिससे कि लोगों की भावना को ठेस पहुंचाएं या भावना से लाभ ले लें। यू आर सेइंग दैट दादरी इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, द बीजेपी हैज बीन यूजिंग सिमिलर इश्यूज इन द पास्ट। करेक्ट, क्योंकि बीजेपी लगातार इसी प्रयास में है कि समाज में दूरियां बन जाएं, और अगर दूरियां बनती हैं तो लाभ उन्हीं को होता है। और मुझे याद है कि एक समय था जब लव जिहाद की बात की गई, धर्म परिवर्तन की बात कही, घर वापसी की बात हुई, और एक समय ऐसा भी था कि केवल एक लाउड स्पीकर पे झगड़ा करा दिया। मुरादाबाद जो संपन्न जिला है हमारा, वहां पर काट में एक जगह पर माइक पे झगड़ा करा दिया। बट दे आल्सो सेइंग दैट द समाजवादी पार्टी बेनिफिट्स फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन मुजफ्फरनगर। दे आर सेइंग दैट यू वर द पार्टी वाज अबेटिंग इट. If the government had not released some people who were initially arrested, the riots wouldn't have happened, because Samajwadi Party benefits from social polarization. देखिए, समाजवादी पार्टी को कभी लाभ नहीं मिल सकता, और ये उदाहरण है लोकसभा का चुनाव। लाभ किसको मिला? सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद कौन जीते? बीजेपी के जीते हैं। अगर सांप्रदायिक तनाव होगा या सामाजिक सद्भावना में कहीं दूरियां बनती हैं या सामाजिक सद्भावना खराब होती है, सबसे ज्यादा लाभ उठाती है भारतीय जनता पार्टी। मैं तो ये कहता हूँ, केंद्र में सरकार आपकी है, आपने प्रदेश को कौन सा बड़ा पैकेज दे दिया? बिहार को तो पैकेज दे दिया, बिहार के लोग ढूंढ रहे हैं कि पैकेज में है क्या उनके लिए। कल हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी यही बात आप कहें। जब आज आपको मौका मिल रहा है काम करने का, तो आप काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जानबूझ करके ऐसे सवाल ला रहे हैं जिससे कि जनता का ध्यान दूसरी तरफ जाए। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जहाँ उत्तर प्रदेश खुशहाली की तरफ जा रहा है, वहीं जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, और जिस तरीके से सबको मिलकर के सरकार आगे चल रही है, उस दिशा में चलते रहें। आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट गई दादरी मामले पे सेंटर, उसमें कहा गया कि स्पॉन्टेनियस इंसिडेंट था,
लेकिन अगर ये स्पॉन्टेनियस इंसिडेंट था तो आपको क्या ये कह रहे हैं कि बीजेपी और बाकी जिन तत्वों को आप अभी ब्लेम कर रहे हैं वो इसके पीछे नहीं थे? क्या आपको लगता है कि कोई षड्यंत्र हो सकता है? देखिए, दादरी की जो रिपोर्ट भेजी गई वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और अभी जांचें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें साफ होंगी क्योंकि लोग पकड़े गए हैं, पूछताछ होगी, हकीकत आएगी। लेकिन जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, जो देखने को मिल रहा है या जो अभी तक समझ में आ रहा है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी और उनसे संबंधित लोगों की सोची समझी रणनीति है कि बहस उत्तर प्रदेश में विकास की ना हो, बहस उत्तर प्रदेश में इस बात की ना हो कि सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं, किस तरीके से मेट्रो बन रही है, किस तरीके से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बन रहा है, किस तरीके से लैंड एक्विजिशन करा दिया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवा दिए, समाजवादी पेंशन दे दी, ये तमाम, या दूध के क्षेत्र में काम किया या गेहूं के क्षेत्र में काम कर दिया, मंडियों में जो सुधार करने का, बहस नहीं चाहते हैं इस पर, इसीलिए जानबूझ करके लैपटॉप स्कीम है आपकी, 16 लाख लैपटॉप बांट दिए। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड हो, डिजिटल भारत हो, डिजिटल गांव हो, क्या बिना लैपटॉप के हो सकता है? क्या बिना फाइबर के हो सकता है जो गांव-गांव उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 2 साल से बिछा रही है? तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये ध्यान जनता का हटाना चाहते हैं। और Do you think that this conspiracy or this attempt is only limited to some BJP leaders, or it has got the consent of the top offices in the BJP, top leaders and the RSS and others? Do you think everybody is part of the same thing, including till the top office, say the Prime Minister, the BJP President and others? देखिए, दादरी की बात दुनिया में बहस में छिड़ जाए और तमाम चीज़ों की बहस दुनिया में छिड़ जाए और उनकी लीडरशिप को ना पता हो, मैं समझता हूँ सबकी लीडरशिप, जितनी भी लीडरशिप है उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद जीते हैं और मैं समझता हूँ हर स्तर पे कहीं ना कहीं उनके पास रणनीति है। You mean to say this communal disturbance is part of the top BJP leadership strategy? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही बताइए कि किस स्तर पर फैसला होता है कि लाउडस्पीकर पर झगड़ा करना है, या किस स्तर पे ये फैसला होता है कि हमें घर वापसी की बात करनी है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है कि किस स्तर पे उन्होंने लव जहां सिंह ने अभी एक दो दिन पहले कहा कि गृह मंत्री हैं कि बीजेपी के किसी एक कार्यकर्ता से, उसके काम से बीजेपी को नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा संभव नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि अपने कार्यकर्ताओं के व्यवहार से दूर हो जाएं, मैं किसी के लिए नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हों, दिल्ली के करीब दादरी में इतना बड़ा मसला आ जाए, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर के दुनिया की तमाम चीज़ों में बातें आ जाएं, आज सोशल मीडिया में या इंटरनेट में आज के ज़माने में कोई बात यहाँ होती है तो दुनिया में दिखाई देती है, तो मैं समझता हूँ अगर दुनिया में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को लेकर के जा रही है कि देश में इन्वेस्टमेंट आए और देश में ज़्यादा रोज़गार मिले नौजवानों को, अगर ये बातें होंगी और इस तरह के मामले उठेंगे तो मैं समझता हूँ न केवल प्रदेश, देश का नुकसान होगा इसमें।